गुड मॉर्निंग बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सॉल्युबिलिटी। यू भी देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इफ वी पुट सम शुगर और सॉल्ट इन वाटर कंटेंट इन ए टम्बलर एंड स्टेयर इट वेल दे डिसअपीयर इन वाटर कंप्लीटली। बच्चों यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जब हम वाटर के साथ शुगर या सॉल्ट मिलाते हैं और उसको जब हिलाते हैं, स्टेयर करते हैं, देन वो डिसअपेयर हो जाता है इन वाटर कम्प्लीटली, पूरी तरह वो घुल जाता है। ठीक है, तो वी से दैट सॉल्ट एंड शुगर आर सॉल्युबल इन वाटर। तो इस तरह हम कह सकते हैं सॉल्ट यानी नमक, शुगर यानी चीनी, दोनों क्या है आपके वाटर में सॉल्युबल हैं, ठीक है, घुलनशील हैं। वाटर इज कॉल्ड सॉल्वेंट एंड शुगर और सॉल्ट आर कॉल्ड सॉल्यूट इन दिस केस। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, और शुगर और सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है, विलायक और विलेय। ठीक है, लेट अस फाइंड आउट वेदर अदर सब्सटेंसेस लाइक सैंड, टैल्कम पाउडर। टैल्कम पाउडर यानी जो आपके सुगंध वाले पाउडर होते हैं, तो उनकी बात की जैसे पाउडर हो गए, ठीक है, सैंड यानी आपके जो कंकड़ वंकड़ उनकी बात की गई, वैक्स, चॉक पाउडर, सोप एक्सेट्रा आर आल्सो सॉल्युबल इन वाटर आर नॉट। क्या ये जो बताया गया है, क्या ये वाटर में डिसअपेयर हो पाते हैं? क्यों ये नहीं हो पाते हैं, ठीक है, घुल नहीं पाते हैं। ठीक है, अगर घुलेंगे भी तो कुछ देर आप देंगे तो बैठ जाएगा। कुछ देर बाद देख रहे हैं आप फिगर में, सैंड इन वाटर वाला जो फिगर बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं सैंड नीचे बैठ गई है, वाटर ऊपर, ठीक है, क्लियर। और नेक्स्ट फिगर में सॉल्ट सॉल्यूशन और शुगर सॉल्यूशन है, जहाँ पे आप शुगर और सॉल्ट को वाटर में घुला हुआ देख सकते हैं। ओके, एक्टिविटी नंबर 11, इन दिस एक्टिविटी टेक वाटर इन फाइव डिफरेंट टम्बलर्स एंड लिटिल सैंड क्रस्ट सोप टैल्कम पाउडर चॉक पाउडर एंड वैक्स टू वाटर इन डिफरेंट टम्बलर्स स्टेयर द कंटेन कंटेंट। ठीक है, well with a rod spoon what do you observe after some time record in a tubular forms as so so and two examples are done for you now here a serial number 1 2 3 4 5 substances added to water sand dust soap talcum powder chalk powder wax observation आपका क्या आएगा बच्चों, यानी आपका निरीक्षण जब आप करेंगे तो आप आएंगे Does not disappear in water. Sand जो है water में dissolve नहीं होगी. Crust soap यानी जो साबुन है वो भी वो disappear हो जाएगा completely. ठीक है, यहाँ पे soluble और insoluble आपको काटना है. ठीक है, इसको आप करेंगे talcum powder है, ये भी आपका क्या होगा, आप जब खोलेंगे तो घुल जाएगा, बट लेकिन कुछ देर बाद आप ये क्या देखेंगे, ये बैठ जाएगा नीचे, जैसे चॉक पाउडर है, वैक्स है, ये सारे। तो यहाँ पे बच्चों ये निकल गया है, द रोल ऑफ वाटर एज ए सॉल्वेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लिव्स। ठीक है, तो हमारे रहन सहन में क्या है, वाटर बहुत ही अच्छा एक विलायक है, ठीक है, जो सब चीजों को अपने में मिश्रित कर लेता है बहुत ही अच्छे से। हाउएवर वाटर इज नॉट द ओनली सॉल्वेंट यूज फॉर डिसॉल्विंग अदर सब्सटेंसेस, केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एक्सेट्रा some other liquids which are also used as solvent. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे आपको ये बताया गया कि water ही एक ऐसा solvent नहीं है जिसको हम dissolve करते हैं other substances like kerosene यानी मिट्टी का तेल है, petrol है, ठीक है, इधर यूज हम करते हैं perfume वर्फ्यूम जो होता है, ठीक है, ये एक ऐसा chemical और organ है जो oxygen के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आर सम अदर लिक्विड विच आर आल्सो यूज एज सॉल्वेंट, यानी ये भी ऐसे लिक्विड्स हैं जो सॉल्वेंट्स की तरह हम यूज करते हैं। ठीक है, तो लेट अस रिवाइज नाउ इन दिस सेक्शन आर केरोसिन ऑयल कोल एंड यूज एज सॉल्वेंट इन आवर डेली लाइफ एग्जाम्पल। आपको केरोसिन ऑयल, पेट्रोल एंड ईथर के यूज को बताना है कि वो सॉल्वेंट हैं, उनको हम अपनी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ देख पाते हैं। केरोसिन ऑयल में आप देख सकते हैं आपके घर में अगर पेंट हो रहा है तो आप पेंट में केरोसिन ऑयल मिलाते हैं, पेट्रोल को भी ऐसे करते हैं हम, ठीक है, ईथर
परफ्यूम है आपके घर में, परफ्यूम में मिला होता है, ठीक है। तो इन सब आपको अपने टीचर्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या पेरेंट्स के थ्रू फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन के आंसर को। आर शुगर एंड सॉल्ट सोलेबल इन मिल्क? शुगर और सॉल्ट सोलेबल है मिल्क में? बिल्कुल मिल्क है, सोलेबल है, मिल जाते हैं, घुल जाते हैं दूध में, आप देखते हैं अगर हम बोलते हैं तो घुल जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू सैंड व्हेन इट इज मिक्स्ड विद वाटर? क्या होता है जब हम सैंड को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, ठीक है। तो डू लिक्विड्स आल्सो डिसॉल्व और मिक्स विद वाटर? क्या ये जो लिक्विड्स हैं ये सभी डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर के साथ? लेट अस ट्राई टू गेट आंसर टू दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आपको ये एक्टिविटी नंबर 12 करना पड़ेगा। इन दिस एक्टिविटी टेक वाटर इन 5 डिफरेंट टम्बलर्स, एड ए लिटिल मिल्क, कोकोनट ऑयल, घी, केरोसिन ऑयल एंड शैम्पू टू वाटर respectively in the tumblers, stir the contents well in each tumbler with a spoon. What do you observe after some time? Record your observation in a tumbler form as shown here. Two examples are done for you. Now activity में आपको 5 liquid आपने लिए हैं, milk, coconut oil, ghee, kerosene oil, shampoo, और आपको ऑब्जर्वेशन करना है कि ये इसमें क्या क्या चीज़ें मिक्स हो रही हैं। मिक्स विथ वाटर, मिल्क जो है वाटर के साथ मिल्क घुल जाता है, और कोकोनट ऑयल के साथ डज नॉट मिक्स विथ वाटर एंड फॉर्म्स ए सेपरेट लेयर, ठीक है। घी के साथ क्या होगा? घी के साथ भी यही होगा, वाटर मिक्स नहीं होगा। केरोसिन ऑयल के साथ भी यही होगा, लेकिन शैम्पू के साथ क्या होगा, वो मिक्स हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टिविटी करा के दिखाया गया कि जो लेमन जूस है ये जो वो क्या है एकदम घुल जाता है वाटर में, लेकिन जो आपका कस्टर्ड ऑयल है यानी जो सरसों का तेल है वो वाटर में नहीं घुल रहा है, जिसकी बात यहाँ पे की गई, ठीक है। मिसेबल लिक्विड फ्रॉम ए यूनिफॉर्म सॉल्यूशन विथ वाटर, मिसेबल लिक्विड फ्रॉम ए सेपरेट लेयर इन वाटर, इनकी बात की गई, ठीक है। तो बच्चों अब नेक्स्ट हमारा है, देख सकते हैं आप, कैन सी दैट सम लिक्विड्स मिक्स विद वाटर कम्प्लीटली, आप देख सकते हैं कुछ लिक्विड वाटर के साथ पूरी तरह घुल जाते हैं। देयर आर सेट को हम क्या कहते हैं, मिसेबल विद वाटर, हम कह सकते हैं कि वो पूरी तरह वाटर में डिजॉल्व हो जा रहे हैं, मिसेबल हैं, मिक्स्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। मिल्क हो गया और लेमन जूस हो गया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अदर लिक्विड्स लाइक मस्टर्ड ऑयल, पेट्रोल, हेयर ऑयल एक्सेट्रा डू नॉट मिक्स विद वाटर एंड आर कॉल्ड मिसेबल विद वाटर, ठीक है। पेट्रोल है, सरसों का तेल है, हेयर है, हेयर ऑयल है, वो सब वाटर के साथ नहीं घुलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग लेयर में आपको दिखाई देने लगते हैं। इट इज ऑल्सो यूजफुल टू नो दैट एयर गेट्स डिजॉल्व इन वाटर टू सम एक्सटेंट, एक्वाटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स survive in water are dissolved air. यहाँ पर आपको ये बताया गया कि वाटर के साथ एयर भी डिजोल्व होती है, ठीक है। जैसे आप कुछ एक्वेटिक प्लांट्स को देख सकते हैं, यानी जो जलीय पौधे होते हैं या जो जलीय एनिमल्स होते हैं, उनकी बात की गई है कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं वाटर में, क्योंकि वाटर के साथ जो डिजोल्व एयर है उसके थ्रू वो ऑक्सीजन गेन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साइड में लिखा हुआ है, कोलास एंड कोडास कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन देम, दिस गिव्स देम देयर फिज। तो कोला हम पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है, उसको क्या करती है, फिज करती है, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना। और नेक्स्ट इंसाइट है, इफ यू पुट वुडन ब्लॉक इन ए रिवर इट विल फ्लोट, अगर आप वुडन ब्लॉक को ही डालते हैं रिवर में तो क्या होता है, वो तैरता है ना, वो डूबता नहीं है। तो आपकी जो नेक्स्ट पॉइंट है वो इसी से रिलेटेड है, फ्लोटिंग आर सिंकिंग, वी शॉल नोटिस दैट इफ वी पुट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इन वाटर दीज आइदर सिंक और रिमेन ऑन इट्स सरफेस फ्लोट, और एग्जांपल ए कॉइन एंड आयरन नेल स्टोन एक्सेट्रा सिंक, वेयर एज ए पेंसिल आइस टूथब्रश प्लास्टिक बॉटल एक्सेट्रा फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर, लेट अस आइडेंटिफाई विच कॉमन ऑब्जेक्ट्स फ्लोट आर सिंक इन वाटर बाई परफॉर्मिंग ए सिंपल एक्टिविटी।
इन दिस एक्टिविटी यू कैन सी सम ऑब्जेक्ट्स आर फ्लोट एंड सम ऑब्जेक्ट्स आर सिंकिंग इन द वॉटर. अंडरस्टैंड? डू यू सी इन दिस फिगर यू कैन सी स्पून, पेंसिल, ब्रश, बॉटल, आइस. दीज आर फ्लोटिंग ऑन द वॉटर सर्फेस एंड सम आर सिंकिंग इन वॉटर डेप्थ. अंडरस्टैंड? Now, students, next activity, activity number 13. You can see here, collect easily available objects in your surroundings at home. Test whether they float or sink by putting them one by one in water contained in a vessel. ठीक है? तो यहाँ पे आपको collect करने हैं 10 ऐसे ऑब्जेक्ट को जो आसानी से क्या हो हमारे सराउंडिंग्स में मिल जाते हैं, जो फ्लोट करते हैं या सिंक करते हैं वाटर में. ठीक है? तो उनका आपको करना है रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म सो एंड बिलो टू एग्जांपल आर डन फॉर यू. अंडरस्टैंड? देखिए यहाँ पे सीरियल 1 to 10 है, सब्सटेंस है फ्लोट और सिंक है. तो प्लास्टिक मग, रबर बॉल, इरेजर और wooden piece, plastic bottle, steel spoon, pen, glass, cardboard piece, इन सब की बात की गई है. ये सब क्या है? ये सब में कौन से float करेंगे, कौन से sink करेंगे, ये आपको find out करना है. ठीक है? तो आप ये इसका answer मुझे भेजेंगे. Next है बच्चों, have you ever thought why objects sink or float? क्या आप ये सोच सकते हैं कि वो object सिंक करते हैं या फ्लोट करते हैं यानी तैरते हैं या डूबते हैं? डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स. इसको आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर सकते हैं और जानेंगे नो द रीज़न. क्या रीज़न है? आस्क योर पेरेंट्स. आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं या अपने टीचर से पूछ सकते हैं अबाउट इट, नो द एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन. और इसके थ्रू फिर आपको एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन इसकी फाइंड आउट होगी. नेक्स्ट है योर विजडम. योर विजडम में बच्चों आपको अपने दिमाग से सोचना है व्हाई Does a ship made of wooden and metal float although it contains a lot of weight? आप देख सकते हैं कि जो ship है वो बनी होती है wood की या metal की, float करते हैं. ठीक है? वो float करते हैं कहाँ? Water में. Does it have something to do with its ship? क्या होता है ship के साथ, ये आपको सोचना है. ठीक है? Now let us revise के some question है, इनको आपको find out करने इसके answer. ठीक है? पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ गुड सॉल्वेंट. गुड सॉल्वेंट क्या होता है? जितनी चीजें सॉल्वेंट और सॉल्यूट के बारे में आपने देखा था, सॉल्वेंट क्या है? व्हाट इज गुड सॉल्वेंट? आपका वाटर गुड सॉल्वेंट है. ठीक है? और इन व्हाट व्हाई डज दिस फैक्ट हेल्प इन? बच्चों यहाँ पर ये जो लेटेस्ट रिवाइज के क्वेश्चन है इनको आपको फाइंड आउट करना है. यहाँ पे ये जो क्वेश्चन था व्हाट इज अ गुड सॉल्वेंट, इन व्हाट वे डज दिस फैक्ट हेल्प इन फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी. ठीक है? तो ये कैसे फंक्शन करते हैं हमारे बॉडी में. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डिनरी वुड एंड प्लास्टिक फ्लोट आर वाटर राइट, वन यूज ईच ऑफ दिस मटीरियल बेस्ड ऑन दिस वाटर. ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स एंड एनिमल animals living inside water require air or survival. How do they survive when not in direct contact with air? ठीक है students, now please send this question answer and share with me. Now next topic is magnetic property. चुंबकीय गुण उसके बारे में हम लोग देखेंगे. Substance can be grouped into categories according to their behavior toward a magnet. यानी जो substance होते हैं उनको हम दो group में divide करते हैं according to उनके behavior, यानी जो उनका व्यवहार है उसके reason से. तो the substances which get attached toward a magnet are called magnetic substances. और ऐसे substances जो क्या करते हैं, जो अट्रैक्ट करते हैं चीजों को, वो आपके क्या कहलाते हैं? वो आपके मैग्नेट यानी चुंबक कहलाते हैं. ठीक है? तो उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक सब्सटेंसेस. ठीक है? इसके एग्जांपल हैं आयरन, निकल, कोबाल्ट, टिन. ठीक है? नेक्स्ट वन इज सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड ए मैग्नेट और कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल प्लास्टिक, ग्लास, रबर, लिक्विड्स एंड गैसेस.
कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो चीजों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, वो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, ग्लास, रबर, लिक्विड्स और गैसेस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, नेल्स गेट अट्रैक्ट बाई मैग्नेट, यहाँ पर जो नेल्स हैं यानी जो पिन हैं उनको चुंबक खींच रहा है ना। योर विजडम में अब आपको सोचना है, व्हाई डू द मैग्नेटिक स्टिकर्स स्टे ऑन द रेफ्रिजरेटर डोर इन योर रेफ्रिजरेटर मेड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी में आपको देखना है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली है यानी जो विद्युत है उसके बारे में जानना है कि वो कंडक्शन, उसका संवहन कैसे हो रहा है। ठीक है, तो सम सब्सटेंसेस लाइक मोस्ट ऑफ द मेटल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कुछ विद्युत के ऐसे उपकरण जो क्या करते हैं, विद्युत को अपने अंदर से होकर जाने देते हैं, वो कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाते हैं, यानी विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, और उनके इस गुण को हम कंडक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, अदर मटेरियल्स डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम एंड आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, और जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से जाने नहीं देते हैं वो इंसुलेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान रखनी है, एक कंडक्टर्स और एक इंसुलेटर्स, यानी एक चालक एक अचालक। ठीक है, इनसाइड में देखिए लिखा हुआ है, आवर बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस, हमारी बॉडी जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, क्योंकि हमारा शरीर लगभग 70% वाटर से बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। कंडक्शन ऑफ हीट है, हीट का संवहन कैसे होता है, सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट व्हाइल अदर्स आर बैड, यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हीट के यानी ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, कुछ बुरे चालक होते हैं। सम वी कैन ग्रुप मटेरियल्स इनटू टू क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू देम, और इनको हम बेसिस के टू क्लासेस के आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं कंडक्शन को। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं, गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर। सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एग्जांपल मोस्ट ऑफ द मेटल सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसे सब्सटेंसेस जो अलाउ करते हैं हीट को, में आपका सिल्वर है। ठीक है, नहीं सॉरी, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जा रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करते हैं वो सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका सिल्वर यानी चांदी। चांदी में सबसे तेज गति से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, बैड कंडक्टर्स कौन है, सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, एग्जाम्पल प्लास्टिक, वुड, रबर। और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने अंदर से हीट को अलाउ नहीं करने देते हैं या इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ नहीं करने देते हैं, वो आपके प्लास्टिक हैं, वुड हैं, रबर हैं। ठीक है, ये बैड कंडक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इनसाइट में लिखा हुआ है, मरकरी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये मरकरी क्या है, मरकरी बच्चों आप लोगों ने अगर थर्मामीटर देखा होगा तो उसके अंदर एक चमकता हुआ जो द्रव्य आपको दिखाई पड़ता है वो मरकरी है। ठीक है, दिस इज वाई इट इज यूज इन थर्मामीटर, इसलिए मरकरी को हम थर्मामीटर में यूज करते हैं कि वो एक गुड कंडक्टर्स होता है हीट का, यानी जब हम अपने शरीर अपने माउथ में लगाते हैं ना थर्मामीटर को, तो फिर वो मरकरी का लेवल राइज होने लगता है, जिसके थ्रू हमारे बॉडी का टेम्परेचर हम मेजर कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज योर विजडम, व्हाई डू हैंडल्स ऑफ यूटेंसिल्स हैव प्लास्टिक और वुडन कवरिंग ऑन देम, जो बर्तन है उनके जो आपके उनको कवर करते हैं हैंडल्स को, उनको हम प्लास्टिक के क्यों यूज करते हैं, क्योंकि प्लास्टिक बैड कंडक्टर है। ठीक है, अगर बर्तन पूरा का पूरा मेटल का बना होगा, उसको जब आप ईंधन पर चढ़ाए हुए हैं और उसके बाद जब आपको उसको यूज में लेना है, छूना है अपने बेयर हैंड्स के थ्रू, तो क्या होगा, तो आपके हैंड्स जल जाएंगे, इसलिए वहां पे प्लास्टिक हम यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, मैटर कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, solubility, appearance, hardness, transparency, or conduction of heat and electricity, which makes their study
prominent and also helps us in deciding their uses in different fields. तो बच्चों यहाँ पर आपको लास्ट में जो इसके चैप्टर का सार है वहाँ पे ये बताया गया कि जो मैटर है जो ऑक्यूपाई करता है स्पेस और जिसके पास क्या होता है मास होता है उसके क्या क्या क्लासीफाई करता है वो उसके पास फिजिकल स्टेट है सॉलिबिलिटी है अपेयरेंस है हार्डनेस है या ट्रांसपेरेंसी है या कंडक्शन ऑफ हीट या इलेक्ट्रिसिटी है ठीक है तो ये सब उसकी प्रॉपर्टी है ठीक है और उसके डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स होते हैं यूज होते हैं ठीक है अब नेक्स्ट है लेट अस रिवाइज के कुछ क्वेश्चन है बच्चों लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन डिफरेंटिएट बिटवीन वेरियस मटीरियल सराउंडिंग यू What do you understand by conductors and insulators? Give one example of each. What do you understand by the terms miscible and immiscible? आपको इन सबके आंसर को सर्च आउट करना है फिर मुझे बताना है तो यहाँ पे क्विक रिव्यू पॉइंट है बुक के The process of grouping things according to some basis of or criteria is called classification. ये आपका क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया इस तरह क्विक रिव्यू पॉइंट को भी आप अभी देख लेंगे एक बार ठीक है तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम लोग इतनी बातें रखते हैं बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से करेंगे अब ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे ये इसके ये कीवर्ड्स भी मैंने दिखा दिए और एक्सरसाइज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ और आपको इस एक्सरसाइज को डन करना है जब ये एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी उसके बाद आप मुझे कॉल करेंगे मैं आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी आंसर है वो सजेस्ट कर दूंगा ठीक है तो अभी आपको अपने आप इस एक्सरसाइज को डन करना अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तब आप मुझे कॉल करेंगे और मैं इसके आंसर आपको प्रोवाइड कर दूंगा ठीक है तो अभी के लिए बच्चों हम लोग इतनी ही बातें रखते हैं बाकी बात हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट हम करेंगे सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को दिखा दे रहा हूँ ये वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है तो आप सभी को डन करना है शॉर्ट आंसर भी आपको सभी को डन करना है और नेक्स्ट है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इनको सबको भी आपको डन करना है इनमें से मैं बता दूंगा कि आपको केवल पहला दूसरा तीनों क्वेश्चन आपको डन करने ठीक है तो एक्टिविटी कॉर्नर है इसको हम लोग बाद में देखेंगे फिलहाल अभी के लिए इतना ही थैंक यू हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे बच्चों